गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको अचीवमेंट टेस्ट के सेकंड टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में कुछ बताऊंगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके क्या पर्पस हैं, उसके बारे में बताया। उसमें मैंने आपको ऐसे टाइप टेस्ट के बारे में बताया, आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में बताऊंगी। ऐसे टाइप टेस्ट की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एक नवीन प्रकार का टेस्ट है। इसे हिंदी में हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अभिप्राय ऐसे परीक्षणों से है जिसमें सम्मिलित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर होता है। यदि परीक्षार्थी उस उत्तर को देता है तो उसे प्रश्न पर पूर्णांक मिलते हैं, और यदि वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो उसे शून्य मिलता है। अर्थात वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य अंकन की वस्तुनिष्ठता से है। अर्थात ऑब्जेक्टिव टेस्ट की जो स्कोरिंग होती है उसमें ऑब्जेक्टिवनेस ज्यादा होती है, उसमें बायसनेस की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि वो पूर्णता आपके आंसर पर निर्भर करता है। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपकी पाठ्य वस्तु है उसके उद्देश्यों पे आधारित होता है, परंतु इसकी सहायता से हम उच्च मानसिक योग्यता का मापन नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ इस तरह के परीक्षण का निर्माण करना भी काफी जटिल या कठिन काम होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी आपके निबंधात्मक परीक्षण के समान अध्यापक निर्मित होता है तथा यह प्रमाणीकृत भी होता है। इसे हम बहुत तरीके से प्रमाणीकृत भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या है। सबसे पहला नेचर इसका है कि अंकन में वस्तुनिष्ठता, यानी इसकी स्कोरिंग में ऑब्जेक्टिवनेस होता है, किसी भी तरह का कोई बायसनेस नहीं है। अगर आपने उत्तर दिया, एक वन वर्ड का आंसर हो सकता है या आपका मल्टीपल चॉइस आंसर हो सकता है, आपने अगर सही दिया तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, किसी तरह का कोई अंक काटा नहीं जाएगा। दूसरा, पाठ्य वस्तु का व्यापक प्रतिनिधित्व करता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या जो टेस्ट होते हैं वो होल रिप्रेजेंटेशन करता है आपके कंटेंट का। तीसरा, इससे लेखन गति व शैली पर बल नहीं दिया जाता है, यानी कि आपकी राइटिंग स्टाइल क्या है इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है। यह निबंधात्मक परीक्षण की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होता है और अधिक वैध होता है। इसके द्वारा हम रोट लर्निंग को डीमोटिवेट करते हैं। इसमें हम टोटल पूरे के पूरे कंटेंट पर फोकस कराते हैं, जिसके द्वारा हम पूरे के पूरे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। आजकल जितने भी टेस्ट बन रहे हैं, यानी जितनी भी तरह की परीक्षाएं बन रही हैं, उसमें हम ऑब्जेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे लक, भाग्य, इन सब चीजों पर आधारित ना होके पूरी की पूरी पाठ्य वस्तु को, पूरे के पूरे कंटेंट को अच्छी तरीके से पढ़े, डीपली भी पढ़े और वाइडली भी पढ़े। इस वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी है, इस तरह के परीक्षण निर्माण में काफी कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि हमें पूरे के पूरे कंटेंट को बहुत डीपली पढ़कर उसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करना होता है, जिसमें हमें समय भी ज्यादा लगता है, हमारी कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। दूसरा, अनुमान से उत्तर देने को प्रोत्साहन। कभी कभी क्या होता है कि हम केवल गेस करके भी आंसर दे देते हैं और हमारा आंसर सही हो जाता है। हम
चार में से एक जय हनुमान जी के पे टिक लगा देते हैं और सोचते हैं ये आंसर सही होगा, और कभी कभी इस लक के भरोसे भी आपका आंसर सही हो जाता है। लेकिन इस तरह के आंसर से बचने के लिए आजकल क्या उपाय किया जा रहा है कि हम लगभग समान विकल्प वाले ही आंसर या ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है कि इसमें विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अभाव होता है। इसमें कोई भी स्टूडेंट अपने आइडियाज को, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को कहीं भी उजागर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें नकल की संभावना बहुत अधिक होती है। इसमें आराम से चीटिंग हो सकती है क्योंकि उसका एक ही उत्तर होता है। नेक्स्ट कमी क्या है, इसमें उच्च मानसिक योग्यता का मापन बिल्कुल भी संभव नहीं है। इससे हमें किसी भी स्टूडेंट के व्यक्तित्व का मापन नहीं पता चल सकता, कोई भी स्टूडेंट की पर्सनालिटी क्या है उसका मापन नहीं हो सकता। और साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज्यादा समय लगता है और बहुत ही ज्यादा इस तरह की पेपर को बनाने में पेपर का यूज भी होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे और इस प्रकार के भी बहुत से बेसिस होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला बेसिस होता है सप्लाई के बेसिस पे वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक रिकॉल आइटम पे होता है, दूसरा कंप्लीट आइटम पे होता है। सेकंड बेसिस होता है आपके सिलेक्शन आइटम्स का। सिलेक्शन आइटम्स के बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स आइटम्स यानी जिसमें हमको सही गलत बताना होता है। सेकंड होता है मल्टीपल चॉइस आइटम्स, जहां पे हमें एक क्वेश्चन से संबंधित तीन या चार या पांच कभी कभी ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक टिक करना होता है। नेक्स्ट होता है मैचिंग आइटम, यानी कि एक तरफ ए ग्रुप दूसरी तरफ बी ग्रुप देना होता है, उसमें हमें मैच करना होता है। और लास्ट होता है क्लासिफिकेशन आइटम। तो ये सब चीजें हुई जिसके आधार पे हम वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है, क्यों? क्योंकि इसमें हम विद्यार्थी को पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु दूसरी तरफ अगर हमें उसके लेखन शैली पे बल डालना है, उसके पूरे व्यक्तित्व का मापन करना है, तो उस हिसाब से वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा हम पूरी तरीके से उसके बारे में नहीं जान पाते हैं। इसी कारण जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हमारे क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड होके हमारे सामने आते हैं। एक तरफ हम कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रखते हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रखते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मतलब हुआ कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखते हैं ताकि मिला जुला के हम स्टूडेंट के बारे में ओवरऑल जानकारी प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे आपका अचीवमेंट टेस्ट का यानी असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट का चैप्टर खत्म होता है। इस संबंध में जो भी प्रश्न आपके सामने आए या आपको समझ में ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं। इस एजुकेशनल अचीवमेंट के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। थैंक यू।